रोमन रिंग्स आखिर क्या करेंगे जेवियर वुड का इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे, ड्रू मैकइंटायर का ओपन चैलेंज कौन करेगा एक्सेप्ट और कौन होगा स्मैकडाउन की सर्वाइवर सीरीज की टीम के कैप्टन, साथ में क्या जेफ हार्डी और आलिया के बीच में हमें रोमांस देखने को मिलेगा, क्या होगा 12 नवंबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे, साथ में बात करेंगे कि पॉल हेमन फिर से क्यों हुए नर्वस ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करने के लिए, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में कब होगा ब्रेकअप, अंडरटेकर की सर्जरी अपडेट और बैकी लिंच ने शार्लेट फ्लेयर के बारे में क्या कहा करेंगे दोस्तों, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे WWE की लोमड़ी के बारे में, यानी कि पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन ने फिर से अपने इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करी। इंटरव्यू में जब ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछा गया पॉल हेमन से क्या पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर से बात करी है उनके सस्पेंशन और फाइन के बाद, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हुए फिर से पॉल हेमन की जबान लड़खड़ा गई और वो बार बार ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट बनने का नाटक करके दिखाते रहे, पर आखिरी में कहा कि मुझे ब्रॉक लेसनर से कुछ नहीं लेना देना, मैं पॉल हेमन हूँ और मैं रोमन रिंग्स का स्पेशल काउंसल हूँ, ब्रॉक लेसनर के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर दोस्तों पॉल हेमन के इस इंटरव्यू में साफ दिखाया गया कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हुए नर्वस होते हैं और इसी से WWE अभी भी पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स की स्टोरी लाइन को टीस और कंटिन्यू कर रही है। दोस्तों रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो पे एक बड़ी अपडेट आई रिसेंटली। काफी टाइम से डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्रस्ट्रेशन अपने फादर रे मिस्टीरियो से बढ़ती जा रही है क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो लगातार अपने मैचेस हारते जा रहे हैं। रिसेंटली डोमिनिक मिस्टीरियो सर्वाइवर सीरीज की टीम पे भी रिप्लेस हो गए, जिसके बाद तो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक लड़ाई का सिलसिला शुरू ऑलरेडी हो चुका है। रिसेंट रिपोर्ट्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के बीच में जल्द ही फ्यूड शुरू होने वाला है, यानी कि मंडे नाइट रॉ पे हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में अब ब्रेकअप कभी भी देखने को मिल सकता है और रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में हमें फादर वर्सेस सन का मैच भी जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 38 के मीट एंड ग्रीट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया, जहां पे अंडरटेकर ने रिवील करा कि उनको अभी भी अपने रेसलिंग करियर को खत्म करने के बाद कई सर्जरीज की जरूरत है। अंडरटेकर ने रिवील करा कि उनके उल्टे पैर के घुटने को रिप्लेस करने के लिए उनकी नी सर्जरी होगी, जिसके लिए वो हंटिंग सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अंडरटेकर ने ये तक रिवील करा कि अब वो कोई भी मैच नहीं खेल सकते, जबकि उनका दिल और दिमाग एक मैच खेलने की बात कहता है। अंडरटेकर ने कहा कि मेरा शरीर फिजिकली अब ऐसा नहीं रहा कि मैं रिंग में परफॉर्म कर सकूं, मैं कोई मैच तो खेल सकता हूं पर जो रेसलिंग फैंस होंगे उनके लिए धोखा होगा और इससे अंडरटेकर की लेगेसी खराब होगी। अंडरटेकर ने साफ कर दिया कि वो WWE में एक और मैच खेलने के लिए अपनी रिटर्न नहीं करेंगे। साथ में अंडरटेकर ने कहा कि ब्रॉक लेसनर उनकी स्ट्रीक को तोड़ने के लिए सही सुपरस्टार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर की जगह रोमन रिंग्स को अंडरटेकर की स्ट्रीक रेसलमेनिया पे तोड़नी चाहिए थी। अंडरटेकर ने साफ किया कि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टार थे और अगर ये मौका रोमन रिंग्स को दिया गया होता तो रोमन रिंग्स का करंट वर्जन बिग डॉग यूनिवर्सल चैंपियन हमें कई साल पहले ही देखने को मिल गया होता। अब बात करते हैं दोस्तों कोफी किंगस्टन के बारे में। कोफी किंगस्टन को पिछले हफ्ते रोमन रिंग्स और द उसोस ने मिलकर ब्रूटली अटैक करा और उनके घुटने पे जोरदार हमला करा। WWE ने अपनी ऑफिशियल अपडेट देते हुए रिवील करा कि कोफी किंगस्टन के पैर में चोट लगी है, अभी भी उनका पैर सही नहीं है और हो सकता है कोफी किंगस्टन जेवियर वुड के करियर के सबसे बड़े मैच में रोमन रिंग्स के खिलाफ उनके साथ रिंग साइड हमें खड़े हुए ना मिले। अब बात करते हैं दोस्तों बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बारे में। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस तो कर ही दिया था कि बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच में
चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच सर्वाइवर सीरीज 2021 पे देखने को मिलेगा। ये बात भी अब किसी से छुपी भी नहीं कि शॉर्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच की बैकस्टेज ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हीट है। दोस्तों बैकी लिंच ने शॉर्लेट फ्लेयर के बारे में बोलते हुए कहा कि अब हम बात नहीं करते, हम दोनों के बीच में अब कोई बातचीत नहीं होती और मैं शॉर्लेट फ्लेयर पे ट्रस्ट नहीं करती। शॉर्लेट फ्लेयर बैकस्टेज बदतमीजियां करती हैं और कभी कभी रोस्टर को एक हीरो की जरूरत होती है बैकस्टेज और मैं वो हीरो बनके काफी खुश हूँ। दोस्तों WWE अब बैकी लिंच और शॉर्लेट फ्लेयर का मैच सर्वाइवर सीरीज 2021 पे इसी रियल लाइफ हीट को यूज करके हमें स्मैकडाउन पे बिल्डअप करके दिखाएगी, इसीलिए बैकी लिंच और शॉर्लेट फ्लेयर का आमना सामना हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भी होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमें 12 नवंबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या क्या दिखा सकता है। हमें ड्रू मैकइंटायर का ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा, इसे इस बार सैमी ज़ेन एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। ड्रू मैकइंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में वर्बल लड़ाई होती हुई दिख सकती है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सर्वाइवर सीरीज का कैप्टन कौन होगा। इन दोनों के बीच में मैच होगा, ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीतेंगे और ड्रू मैकइंटायर सर्वाइवर सीरीज 2021 के स्मैकडाउन के कैप्टन बन जाएंगे। पर मैच के बाद हमें मुस्तफा अली ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते WWE ने इस मैच को इस फ्यूड को फिर से टीज करा था जब ड्रू मैकइंटायर रिकोशे से भिड़ रहे थे तो मुस्तफा अली बैकस्टेज टीवी पे ये मैच देख रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जेफ हार्डी और आलिया एक रोमांस सेगमेंट में बैकस्टेज देखने को मिल सकते हैं। हमें आलिया और जेफ हार्डी के बीच में एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां पे जेफ हार्डी आलिया को बूस्ट अप करते हुए नजर आ सकते हैं कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टीम में ऐसे न्यू कमर भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। इसी तरीके से जेफ हार्डी और आलिया के बीच में हमें रोमांस स्टोरी बिल्डअप होती भी दिख सकती है। हमें द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस हैप्पी कॉर्बन और मैट कैप मॉस का मैच देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते काउंट आउट की वजह से द वाइकिंग रेडर्स की जीत हुई थी और इस हफ्ते हमें द वाइकिंग रेडर्स हैप्पी कॉर्बन और मैट कैप को हराते हुए दिख सकते हैं। साशा बैंक्स को कई फीमेल सुपरस्टार कन्फ्रंट करती हुई नजर आ सकती हैं और डिसाइड हो सकता है कि आखिर कौन साशा बैंक्स शॉर्टसी या कौन सी सुपरस्टार हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की कैप्टन बनती भी दिखेगी। पर आखिरी में हमें साशा बैंक्स ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की कैप्टन बनती भी नजर आएंगी। पर मेन इवेंट पे दोस्तों हमें रोमन रिंग्स फेस करते हुए नजर आएंगे जेवर वुड्स को। ये मैच होगा स्मैकडाउन के रूल के लिए यानी कि किंग कौन है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। रोमन रिंग्स को इस मैच से पहले जेवर वुड ने अच्छी खासी दो बार चुनौती दी है कि वो रोमन रिंग्स को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सबक सिखाएंगे। पर दोस्तों स्टोरी लाइन कुछ डिफरेंट जाएगी, रोमन रिंग्स इस मैच में जेवर वुड की इतनी पिटाई करेंगे द उसोस के साथ मिलके कि हमें जेवर वुड भी कोफी किंगस्टन की तरह ही इंजर्ड होते हुए नजर आएंगे और जेवर वुड भी कुछ टाइम के लिए WWE से आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे जिस वजह से बिग ई यानी कि न्यू डे के थर्ड पार्टनर को गुस्सा आएगा और अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वो जेवियर वुड को और कोफी किंगस्टन का बदला लेने के लिए रोमन रिंग्स को कन्फ्रंट करेंगे यानी कि रोमन रिंग्स की जीत होगी और रोमन रिंग्स साथ में जेवियर वुड की इतनी पिटाई करेंगे कि शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रिंग्स वर्सेस जेवियर वुड के मैच में कौन जीतेगा? ऑब्वियस है जवाब तो पर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें आप